ये क्यों, मतलब ये जब भी आप साइड देखोगे या नए आप गए हो तो देखोगे आज छोटा सरिया लंबा सरिया, ये क्या है, मतलब क्यों किया है। जब भी मैं नया था ऐसे फ्रेशर गया था तो मेरे भी माइंड में था कि मतलब टॉर तो एक साइज का आया, नीचे जो बंडल्स पड़े हैं तो क्यों ये छोटा बड़ा हो गया है। तो ये किया जाता है छोटा बड़ा, और ये जो नॉर्मल गांव में कंस्ट्रक्शन होती है उसमें नहीं किया जाता है। उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों ज़रूरी है प्रोवाइड करना और कहाँ प्रोवाइड करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉलम लैब की, मतलब एक तो मैंने पता है, पहले कई लोगों को पता नहीं होगा कॉलम लैब है क्या है जो, तो कॉलम ये मेरा मतलब एक घर है, ठीक है, ये बिल्डिंग है मेरी, 24 मीटर लंबी है हाइट इसकी, 24 मीटर, तो स्टील प्रोवाइड करिए। चलो मतलब एक ये तो पॉसिबल नहीं है कि 12 मीटर का सीधा खड़ा कर दोगे क्योंकि वो रुकेगा ही नहीं, सिंपल बात है। तो ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर का आप स्टील कट करके उसका एल मार के खड़ा कर देते हो, तो उसके बाद नीड तो पड़ती है उसको, क्योंकि स्टील हमें पूरा 24 मीटर ऊपर तक लेना है, तो उसको नीड पड़ती है लैप प्रोवाइड करने की। तो हम लैप प्रोवाइड कैसे करते हैं, ऐसे मतलब ये, ठीक है, ये नीचे से जो सरिया आ रहा था उसको ऊपर लैप प्रोवाइड कर दिया। अभी लैब प्रोवाइड किया है कॉलम में, तो बेस्ट जोन कौन सा है, कहाँ आपको लैब प्रोवाइड करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं पहले, ठीक है। सो मैं सिंपल भाषा करूंगा, मैं कोई आज टेक्निकल इतना बताऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको बताता जाऊंगा क्योंकि मैं टॉपिक डाल चुका हूं, वीडियो देख सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा कि कहाँ करना है। ये कॉलम है, ये मतलब नीचे की स्टोरी है आपकी, ये इसके ऊपर अभी कॉन्टिन्यूटी है पूरी, मतलब ऊपर कॉलम आज जाने वाला है, ये स्टील ऊपर जाएगा अभी, ठीक है। तो आपको आपका स्टील पहुंच चुका है यहां तक, मतलब पहले आपको सोच के रखना है कि आपका कहाँ स्टील आना चाहिए। ये नीचे जो स्टील आया है ये यहाँ यहाँ है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऊपर की स्लैब है, ये नीचे की स्लैब है। तो जो आपको लैब प्रोवाइड करना है सरिया का, वो कहाँ करना होता है, हमेशा कॉलम के सेंटर में, ठीक है। जो आपने अभी साइड की वीडियो देखी, देखा होगा कि जहां स्लैब हो रही थी स्लैब से थोड़ा ही ऊपर सरिया था, और वो कहां करना होता है आपको, सेंटर में। क्यों सेंटर में करना होता है, वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ये याद रखना। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो आपको क्या याद रखना है, वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। और जो हमारा बाकी, अगर इनको जोन में आप डिवाइड करो 1 2 3 जोन, तो जो बाकी जोन होते हैं वो टेंशन जोन है। क्यों टेंशन जोन है, वो लेटरल जब फोर्सेस लगेंगे, यहां से अगर फोर्सेस लगाऊं, मैं बता ही देता हूं अगर बता रहा हूं थोड़ा बहुत, नहीं तो ये वीडियो मैं बना चुका हूं इस पे अच्छे से। तो यहां से फोर्स लगेगी तो ये जो कॉलम होगा यहां बकल करेगा, मतलब क्रिप यहां करेगा, मतलब अगर अगर एग्जांपल लो, अगर पेड़ है जो, जब उसकी हवा चलती है उसमें, तो पेड़ हमारा क्या करता है, ये हवा चल रही है तो पेड़ की ये पेड़ यहां से बेंड होता है, तो सबसे ज्यादा कहां लोड पड़ता है, मतलब ये चीज है उसकी, इस पे मतलब एक क्या होता है, इस पे टेंशन आती है क्योंकि ये यहां हवा पड़ रही है, ये उखड़ने को रुकता है, मतलब यहां से उखड़ता है। आपने कई पेड़ देखे भी होंगे कि यहां से उखड़ गए होते हैं, तो इसीलिए कभी भी यहां पे आपको लैब प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। और सब जो मैक्सिमम आपको लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, बाकी तो डिजाइन पे रहता है, लेकिन थंब रूल लेके आप चलो, आपको लैब कहाँ, जो कॉलम का सेंटर होगा ना, कैसे सेंटर निकालोगे, ये स्लैब आपकी अगर ये 3 मीटर, जैसे 3.2 मीटर है, तो L/4 कर लेना है उसका, तो कितना आया, 800 mm या 0.8 मीटर, तो उसको उस एरिया को छोड़ देना है नीचे, उसके ऊपर आपको लैब प्रोवाइड कर देना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और बात रही अभी, जैसे साइड में मैंने दिखाया आपको कि सरिया हमारा क्या था, स्टैगर्ड था, मतलब अल्टरनेट था, एक ये लंबा था, एक छोटा था, एक लंबा था, एक छोटा था, ये क्यों प्रोवाइड करते हैं। अगर देखो, अगर ऐसे नहीं है कि यहां कोई टेंशन या मतलब कोई स्ट्रेस पड़ेगा नहीं, यहां भी स्ट्रेस पड़ेगा तो यहां से भी कॉलम आपका टूट सकता है। तो जब अगर हम यहां पे पूरा लैप दे देंगे, मतलब यहां सब लैप, यही सब लैप हो आगे, मतलब ये लैप आ गया, सब सब यही लैप आ गए, तो ये सेक्शन वीक हो जाएगी, तो टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसको अल्टरनेट कर देते हैं, मतलब इसी जोन को, एक यहां सरिया होगा, दूसरा यहां होगा, तो जो लैप आएगा एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, तो जो भी स्टील बार होगा उसमें अलग अलग आपको स्टैगर्ड लैप करना है। ये आपको एज ए सिविल इंजीनियर ध्यान रखना, दो चीजें ध्यान रखनी, क्या रखनी है, एक तो आपका जो सरिया नीचे से प्रोवाइड करोगे वो ऊपर ऊंचा नीचा होना चाहिए, मतलब एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा ऐसे, दूसरा वो कहां तक जाना चाहिए, जो ऊपर का कॉलम होगा नेक्स्ट स्टोरी का उसके सेंटर तक होना चाहिए, वहां आपको लैब प्रोवाइड कर देना है। और यहां लैब प्रोवाइड करोगे, वहां स्टीरअप की जो स्पेसिंग होती है वो 100 mm कर देनी है, मतलब बिल्कुल कम स्पेसिंग आपको यहां प्रोवाइड करनी है।
और ये भी टेंशन जो ना, इधर भी आप स्पेसिंग कम ही रखो। मैं बोलता हूँ कॉलम में जितनी पॉसिबल हो 100 से 150 mm स्पेसिंग रखो। मैंने गांव में देखा है कि 200 200 mm स्पेसिंग प्रोवाइड की होती है, 4 सरिया प्रोवाइड किया होता है। वो क्या रोकेगा, वो क्या मतलब कुछ, वो नाम का नाम कर रहे हैं कॉलम का। तो ये चीजें मैं तभी बताता हूँ कि आप बिना मतलब किसी डिजाइनर से भी ये काम कर सकते हो। ये हो गया मेरा एक टॉपिक। अभी मैंने कहा था 4-5 टॉपिक होंगे, तो नेक्स्ट आता हूँ टॉपिक। तो आप देखते होंगे जहां भी साइट पे, ये देखो ये जो मैंने किया है, ये स्टील, मैंने कहा ये स्टील था हमारा, ये लैप होता है, ये मैंने जैसे बताया। अभी मैं इसका एक कल वीडियो डाला था, उसमें मैंने लैपिंग का बताया था। उधर भी आप वीडियो कल देखोगे कल का, तो बीम का लैपिंग था, उसमें भी ऐसे किया था, ऐसे। ये क्या होता है, ये है जोगल। जोगल आपको मतलब प्रोवाइड करना ही करना है। क्यों करना है, अगर मतलब कोई चीज है, ये मैं कहूं ऐसे, ये दो चीजें इसको बांध दिए, यहां से मैंने लोड डाला, यहां कहीं से भी लोड डाला, तो इसका स्लिपेज डर रहता है, मतलब ये नीचे ज्यादा स्लिप करेगा। अगर आपने चीज को ऐसे प्रोवाइड कर दिया, मतलब ये आया और जितना लैप होगा, मतलब जैसे, और लैप का क्या था, मैंने कैसे बताया कि आपको थंब रूल के हिसाब से कितना 50D प्रोवाइड कर देना है। 50D क्या है, ये कल की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 50 × डायमीटर जो भी होगा, 25 का होगा, ठीक है। तो अगर 20 का डाया होगा तो कितना आया हमारा, 1 मीटर, और ये कितना 1250। तो आपको ये लेंथ जो रखनी है वो कितनी रखनी है, 1 मीटर या 1250, जिस हिसाब का सरिया होगा, और आपको यहां जोगल प्रोवाइड करना है। और इसमें भी एक चीज क्या देखनी है आपको, ये स्टैगर्ड होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अभी आता है अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक क्या है, मैंने देखा है जो भी कंस्ट्रक्शन हुई होती है, मतलब काफी जगह पे देखा है 30% यही काम हुआ होता है। क्या हुआ था, आपका मतलब एक स्टोरी बना ली, ये घर है आपका, स्टोरी बना ली, इसके कॉलम थे, जो कॉलम दिए थे, तो उसका सरिया यही मतलब थोड़ा थोड़ा निकाला होता है, इतना मतलब 100 mm 200 mm, वो कोई काम का ही नहीं है, मतलब वो जहां तो निकालो ही नहीं, या उसको बेटर वे से निकालो। बेटर वे से इन द सेंस कि आपका ऊपर उसका लैप मिलना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपको इन फ्यूचर आप स्टोरी खड़ी करनी है तो आपको उतना निकालना ही निकालना है। और जब ये निकालोगे, एक चीज ध्यान देनी है इसमें, जो आपका सरिया होगा वो अल्टरनेट होना चाहिए। दूसरा, उसमें स्टीरअप पहना के रखना पूरा। अगर स्टीरअप नहीं पहनाई होगी तो अगर जो स्टील होगा वो हवा से, मतलब जब हवा चलेगी तो वो हिलेगा, उससे क्या होगा, यहां क्रैक्स पड़ जाएंगे यहां, और वो लीकेज होने के चांसेस होते हैं। जहां तो कोई बच्चे वगैरह भी ऊपर खेलेंगे तो सरिये हिलाएंगे, तो यहां जगह बन जाती है और लीकेज होने के चांसेस होते हैं। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ये कोई नहीं आपको बताएगा। नेक्स्ट चीज, अगर क्या होता है कभी कभार, ये भी मैंने देखा है कि कॉलम यहां, मतलब ए फर्स्ट स्टोरी बना दी उसने, और वो बस बोलता कि मैं ये खत्म में कर नहीं बनाऊंगा, इन फ्यूचर 2-3 साल बाद उसको लगता है कि मेरे को अभी एक्सटेंड करना है, अगर तो उसका स्टीरअप तो मतलब ऊपर सरिया तो गया ही नहीं है। वो क्या करना है उस केस में, कि जो स्लैब होगी जैसे, ठीक है, ये मतलब नीचे से कॉलम आ रहा है, अभी ये कॉलम ऊपर एक्सटेंड करना है, तो क्या करना है, यहां होल करना है, मतलब जहां जहां आपको लगता है उतना, मतलब अंदाजे से कि जो नीचे सरिया है वो वैसे उधर होल कर देने, जितने बार आपको डिजाइनर ने कहा है या डिजाइन या नीचे से जितने आ रहे हैं वो होल करके उसमें प्रॉपर बेस से ग्राउटिंग, मतलब ग्राउटिंग करनी है, केमिकल ग्राउटिंग, सिंपल नहीं, केमिकल ग्राउटिंग उसमें करनी है। हिल्टी 500 यूज करना है, ये वीडियो मैंने डाल चुका हूं, वो करके फिर आपको कॉलम ऊपर करना है, तो उससे आपका इजिली लोड ट्रांसफर होगा अच्छे से। ये टॉपिक था गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 4-5 चीजें जो बताई ना, ये कोई आपको इतने अच्छे से नहीं बताएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काम आएगी। जो भी आप कंस्ट्रक्शन करो वो सेफली करो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।